हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। अभी अभी सभी एसएससी एस्पिरेंट्स एसएससी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। क्या है वो इम्पोर्टेंट नोटिस, अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को या घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर। देख पा रहे हैं भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, इम्पोर्टेंट नोटिस है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। क्या इम्पोर्टेंट नोटिस है देख लेते हैं। कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स 2018 एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट, यानी जो फॉर्म अभी जीडी के एसएससी जीडी के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं उसके एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट को लेकर कुछ नोटिस है। पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं ब्रीफली समझा दूंगा क्या है पूरे इसका मीन्स। Applicants of the Constable GD in CAPF, NIA, SSF and Rifleman GD in Assam Rifles Examination 2018 may note that the last date for submission of online applications along with online fee payment for the said examination is 13/09/2018 5 PM. Payment of fee through Chalan can be made at the designated branches of SBI within the working hours of bank up to 3/30/10/2018 provided the said challan has been generated before the closing date of receipt of online applications i.e. 30/09/2018 5 PM. दूसरा पॉइंट में लिखा है टू अवॉइड कंजेक्शन इन द फिलिंग अप ऑफ द applications इन द लास्ट फ्यू डेज applicants आर एडवाइज नॉट टू वेट फॉर द लास्ट डेट एंड टू फिल अप देयर applications एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द रिमेनिंग टाइम पीरियड i.e. 30/09/2018 5 PM. And third point, it may be specifically noted that no further extension of time will be given beyond 30/09/2018 5 PM for submission of online applications forms for the said examination. नीचे अंडर सेक्रेटरी के साइन है और डेट आज की 24/09/2018. अब मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ क्या है एसएससी की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस है एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि इन्होंने अभी तक आपका फॉर्म नहीं भरा है तो आप 30 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर लीजिए क्योंकि इसके बाद में आपको वो जो डेट ऑफ क्लोजिंग की है उसको एक्सटेंशन नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक आपके लिए अभी सहूलियत दे दी है कि अगर आप 30/09 से पहले फॉर्म भर लेते हैं विद चालान के साथ में तो आप जो आप एसबीआई की जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस है उनमें से किसी से भी आप 3/10 तक यानी 3 अक्टूबर तक आप कभी भी उसमें आप बैंक चालान बनवा सकते हैं। लेकिन बशर्ते लिखा प्रोवाइडेड द सेट चालान हैज़ बीन जनरेटेड फॉर द डे क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपने कोई फॉर्म फिल किया आप चालान जैसे आप कोई फॉर्म फिल नहीं कर पाए बट आप चालान के थ्रू करना चाहते हैं तो 30 तारीख से पहले पहले आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिए एंड चालान आप 3 तारीख तक कभी भी आप बनवा सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज लिख दी ना उन्होंने कि आप लास्ट में जब फॉर्म आपको फिल ही करना है तो आप लास्ट डेट का वेट मत करिए आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लीजिए। एंड उन्होंने तीसरे पॉइंट में लिख दिया कि आपको बिल्कुल भी नो फर्दर एक्सटेंशन यानी आपको बिल्कुल भी आगे के लिए टाइम नहीं मिलेगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर लिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।